तो फाइनली ये वाले दो जो कबूतर, ये मादा कबूतर है और वो नर है, ये हमने ले लिए हैं और काफ़ी थे यहाँ से, ये दो पसंद किए हैं। तो अभी अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो मैंने सोचा कि अपने ज़ाटा में क्यों ना हम अपने कबूतर ऐड करें। हमारे गांव के पास एक करीबी टाउन था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना वहां से जाके हम कबूतर ले आएं और फिर वो अपने घर जो हमारा सेटअप है उसमें ऐड करेंगे। तो मैं और मेरे भाई निकल पड़े हैं कबूतर लेने, और जब इंशाल्लाह कबूतर लेकर ही वापस आएंगे। तो चले फिर कबूतर लेते हैं। हम एक शॉप में पहुंचे तो वहां पर काफी कबूतर थे, तो जो शॉप का मालिक था वो हमसे दो नंबरी करने लगा था। उसने एक ये जंगली कबूतर पकड़ा हुआ था और वो हमें देने लगा था, तो लेकिन नहीं, हमने वो कबूतर हमें अच्छा नहीं लगा, तो हमने कहा हमने ये नहीं लेना, हमें कोई और दो। तो काफ़ी सारे कबूतर देखने के बाद हमने एक कबूतरी और कबूतर फाइनली चूज़ किए, तो वो हमने आपको वीडियो में बताए हैं, तो आप वीडियो में देख सकते हैं। तो एक और उसने हमें कबूतर निकाल के दिया, तो हमने वो जो कबूतर है नहीं लिया, तो मैंने कहा जो इस साइड वाला केज है उससे दिखाओ, तो फिर उसने हमें इससे दिखाया, तो एक यहाँ पर कबूतरी थी वो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने कहा कि हम ये वाली कबूतरी लेंगे। तो भाई भी कहते हैं चलो फिर ठीक है, तो कबूतरी हमने उसी टाइम चूज़ कर ली थी। तो ये है जो हम ले कर आए थे, यही कबूतरी है जो हमारे पास इस वक्त है, और हमने कबूतर भी इसी केज से शायद निकलवाया था। तो आपको कबूतर भी चले फिर दिखाते हैं। तो फाइनली ये वाले दो जो कबूतर, ये मादा कबूतर है और वो नर है, ये हमने ले लिए हैं और काफ़ी थे यहाँ से, ये दो पसंद किए हैं। तो अभी भाई जो एक्सपर्ट हैं कबूतर के, इनसे इनके पार जो है वो निकलवा लेते हैं ताकि उड़े ना। भाई पकड़ो और पार इनके जो है खींच दो, हमने तो काटने थे जाके, तो आप ऐसा करो कि इनके पार जो है ना उड़े ना ताकि ये। नए पार कब तक आ जाएंगे, दो महीने के अंदर अंदर आ जाएंगे। सही हो गया, नेक्स्ट टाइम हम भी ऐसे ही कर लेंगे, हमें भी तरीके का पता चल जाए एक दफ़ा, फिर ये है कि बंदा घर पे भी कर सकता है, खींच लेंगे। सही है, चलो उन्हें भी फाड़, उन्हें चल इन्हें भी फाड़, चल फाड़ ले, चल। तो मैं आज खुश हो गया भाई, कबूतर बास। पहले जब फ्री में पकड़ते थे आप, वैसे ही लोगों को दे देते थे, पता लगा कितने के हैं। हाँ तो कदर किया करो चीज की। बखराना तो बना लिए, लैदा वार जान करने के। सही हो गया, चलो हेलो भाई। मुंह मांगे पैसे दिए, मुंह मांगे। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे एक कबूतरी और कबूतरी दिलाया, और माशाल्लाह ये बहुत ही खूबसूरत हैं, और
अब हम इन्हें रोज़ाना डाइट दिया करेंगे और इंशाल्लाह इनसे आगे बच्चे भी निकलवाएंगे। तो ये देखें भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसको भागने बिल्कुल भी नहीं दूंगा क्योंकि बहुत मुश्किल से इसे लाए हैं, इसमें लेके आए हैं और बहुत ही मरने का इसमें ख़तरा था, तो रिस्की काम था जिसको हमने किया। तो आखिरकार हम फिर भी ले यार, तो हमने इसके जो पार हैं वो निकाल दिए हुए हैं और इसके नहीं निकाले, तो अब हमें तरीका आ गया है पार निकालने का। तो इसको तो चलो छोड़ देते हैं, इसमें कौन सा कहीं जाना है, और ओ उसके डोन से भाई बचाना। अभी इसके पार निकालते हैं, इसके जो है ना वो निकाल दिए हैं पार हमने। अभी ये जब हमारे सेटअप पे यानी कि रहना सीख जाएंगे और दोबारा इनके पर आ जाएंगे फिर नहीं निकालेंगे। अभी नए लिए हैं इसलिए पर निकाले हैं ताकि ये उड़ ना जाए, तो आए कबूतर के पास इसे भी छोड़ देते हैं। अभी इसका कोई खतरा नहीं है, ये एक पर है इसका बड़ा, ये नहीं निकाला मैंने, ये भी निकाल लेते हैं ताकि खतरा कम हो जाए। कबूतरी और कबूतर के पर निकाल दिए हैं, ये रहे पर, ये पार इनके जो बड़े थे वो निकाल दिए, और ज़्यादा इसलिए इनके पार काटे हैं क्योंकि ये नई जगह पे आए हैं, अगर हम इन्हें छोड़ते तो ये इन्होंने उड़ जाना था। तो 10-12 दिन में वो कह रहे थे कि इन ये जो है यहाँ पर गिज जाएंगे, ट्रेन हो जाएंगे, रहना सीख जाएंगे तो फिर ये उड़ेंगे नहीं, तो फिर इनके पर भी हो गए तो ये ऊपर जाएंगे और फिर जो इन्होंने कीड़े मकोड़े अपनी खुराक खानी होगी वो खा के फिर नीचे आ जाएंगे। तो चले फिर हम इन्हें अपनी नई जगह पे रख देते हैं। अभी ये पानी और इन्हें दाने डाल दिए हैं, लेकिन अभी वो घबराए हुए क्योंकि नई जगह पर आए हैं, घबराना नहीं सबसे पहले आपने। चलो देखते हैं जब इन्हें भूख लगेगी तो खा लेंगे ये।